चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले 13.1 एक्सरसाइज देखी थी जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में थी, और 13.2 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में था। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में हमने समझा था ना कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब वो कहलाता है कि जब कोई दो चीज़ों के बीच में रिलेशन हो ना, तब कोई एक चीज इंक्रीज होती हो तो दूसरी चीज डिक्रीज होती हो, या तो एक चीज डिक्रीज होती हो तो दूसरी चीज इंक्रीज होती हो। तो इस रिलेशन को हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, बरोबर ना? इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इनके हम लोग सम्स देख रहे थे कि जिसमें 13.2 में पहले तीन सम हम लोगों ने देखे थे, अब फोर्थ वाला सम शुरू करें, बरोबर ना? फोर्थ क्वेश्चन अब हम लोग देखें कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फोर में जैसे लिखा हुआ है कि इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, बरोबर ना? कि अगर पूरा स्वीट का बॉक्स है, मतलब कि पूरा जो है वो मिठाई का डब्बा है जो 24 चिल्ड्रंस में बांटना है, 24 बच्चों में बांटना है, तो सबको 5 5 स्वीट्स आई। सबको कितनी? सबको जो है वो 5 5 स्वीट्स मिली, बरोबर? हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अब क्या दिया हुआ है कि अगर चिल्ड्रंस का नंबर 4 कर दें, मतलब 24 बच्चों में नहीं, सिर्फ 4 बच्चों में बांटनी है, तो सबको कितनी कितनी मिलेगी? पहले 24 बच्चों में बांटनी थी ना, तो सबको 5 5 मिठाई मिल रही थी। अब खाली 4 बच्चों में ही बांटनी है तो सबको ज्यादा मिलेगी ना, बरबर ना? पहले जो है वो 24 बच्चे थे तो सबको मिठाई 5 5 मिल रही थी, अब 4 ही बच्चे हैं तो जितनी भी मिठाई होगी वो सबको अब ज्यादा ज्यादा मिलेगी ना, बरबर ना? तो ऐसे ही तो हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं ना, कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो गए, अगर बच्चे कम हो गए तो मिठाई ज्यादा हो जाएगी, बरोबर? ये इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है, जिसे जो है वो बॉक्स वाइज मैंने लिख दिया है यहाँ पर, कि पहले बॉक्स बना ले ना कि अगर चिल्ड्रंस 24 हैं तो स्वीट्स उनके लिए 5, तो अगर चिल्ड्रन 4 हो गए तो स्वीट्स कितनी मिलेगी वो फाइंड करना है, बरोबर? तो जो हमें फाइंड करना है उसे सपोज एक्स नाम दे दे कि ये एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसे हम लोगों ने देखा था, पहले समझा था ना कि इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे करते हैं, कि यहाँ जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबर का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे इनवर्स करते हैं ना, बरबर ना? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोगों ने देखा था कि भाई ये दोनों डिवाइड करते हैं, इन दोनों का डिवाइड इक्वल टू इन दोनों का डिवाइड। इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन में इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, बरबर? मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा कि 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एक्स, ये ना 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है? तो अब जो एक्स ढूंढना है तो 4 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स 24 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स, जहाँ 4 से इसको कट करेंगे कि 4 6 24, बरबर? और ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 5 30, मीन्स एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? 30 मिल जाएगा। मतलब अगर 4 बच्चे होंगे ना खाली, तो सबको 30 30 मिठाई मिलेगी, बरोबर? आ रहे ना बात समझ में? तो जैसे फोर्थ वाला देखा ना, वैसे ही देखो फिफ्थ वाला भी दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन अ कैटल फॉर 6 डेज, कि एक फार्मर के पास जो कैटल्स है ना, कैटल्स मतलब जो क्या कहते हैं गाय भैंस वगैरह हैं उनके पास, कि भाई उनके पास 20 एनिमल्स हैं, गाय भैंस वगैरह मिलाकर 20 एनिमल्स हैं, 20 जानवर हैं, तो उनके पास जो खाना है ना वो खाना 6 दिन चल जाता है। 20 जानवरों के लिए खाना कितने दिन चल जाता है? 6 दिन चल जाता है। सो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन दिस कैटल, कि अगर इसी में ही 10 और एनिमल्स बढ़ा दिए जाए, बरबर ना? 10 और बढ़ा दिए जाएं तो अब खाना कितने दिन चलेगा? मतलब ऐसे हो गया, यहाँ पर भी जैसे मैंने टेबल बना दिया है कि अगर कैटल्स 20 हैं तो उनके जो है वो दिन 6 हुए, 6 दिन चला, 20 जानवरों के लिए 6 दिन खाना चलता है, तो अगर 10 जानवर बढ़ा दें, 10 बढ़ा दें मतलब कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे ना। अब कैटल 30 है तो डेज कितने चलेंगे, मतलब कितने दिन खाना चलेगा वो हमें पता करना है, बरबर?
तो मतलब अगर जानवर बढ़ जाएंगे तो खाना कम दिन चलेगा ना, बरोबर ना। अगर एनिमल्स बढ़ेंगे तो फूड कम हो जाएगा, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ ना। तो इसमें भी सपोज कितने दिन खाना चलेगा वो ढूंढना है, तो उसे एक्स नाम दे देना। ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी वैसा ही करना है, मतलब इसमें भी ऐसा ही लिखें, इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई है और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसमें अगर देखा जाए ना, तो ऐसे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई x, 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई x। मतलब कि यहाँ x ढूंढने के लिए 30 डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 30 इक्वल टू x, 20 मल्टीप्लाई 6 और 30 डिवाइड में इक्वल टू x। जहाँ ये 0 0 कट, 3 से इसको कट करें ना, तो 3 2 जा, और ऊपर 2 और 2 का मल्टीप्लाई, मीन्स के x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब अगर 30 एनिमल्स होंगे ना, तो खाना कितने दिन चलेगा, तो सिर्फ 4 दिन चलेगा खाना, बरोबर। सिंपल है ना, सम्स आ रही ना बात समझ में। अब जैसे ये देखा ना, अब ये 4 और 5 देखा, तो अब इसे ध्यान से देख लो, लिख लो। तो अब इसे रफ करके फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें, बरोबर। देखो कि अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हाँ 6 वाला क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है कि अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रीवायर जसविंदर हाउस इन 4 डेज। कि एक जो है वो जसविंदर कोई पर्सन है, उसके घर में रीवायरिंग करनी है, पूरी वायरिंग करनी है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि अगर 3 लोग काम करेंगे ना, तो 4 दिन में काम हो जाएगा। अगर 3 पर्सन काम करेंगे तो 4 दिन लगेंगे। इफ ही यूज 4 पर्सन इंस्टीड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। कि अगर जो है वो 3 की जगह 4 लोग वहां काम पे लगा दे, तो कितना जल्दी काम हो जाएगा। अभी हमें पता है ना कि जैसे देखो कि अगर पर्सन 3 है, मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा है कि अगर पर्सन 3 है, 3 लोग काम कर रहे हैं, तो डेज 4 लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। लेकिन अगर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे वो ढूंढना है। अगर लोग ज्यादा काम करेंगे तो दिन कम हो जाएंगे ना, 3 की जगह 4 लोग अगर काम करेंगे उसमें, तो डेज कम हो जाएंगे, बरोबर। लोग बढ़ेंगे तो डेज कम हो जाएंगे, यही तो इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाया ना। तो उसमें भी कितने दिन लगेंगे, अगर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उसे एक्स सपोज करें, बरोबर। और इनवर्स प्रोपोर्शन की तरह इसमें भी ढूंढें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। मतलब कि ऐसे कर दें उसमें कि 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा ना 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x। कि जिसमें अगर x की वैल्यू ढूंढनी है, तो 4 आ जाएगा डिवाइड में, मीन्स ऐसे हो जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 इक्वल टू x, 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 इक्वल टू x, 4 डिवाइड में। तो जिसमें 4 4 कट, तो x इक्वल टू कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, बरबर ना। x इक्वल टू सिर्फ 3 बचेगा। मतलब कि अगर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में पूरा हो जाएगा, बरबर। अरे बस समझ में, सिंपल था ना ये 6th वाला क्वेश्चन भी। ऐसे ही अब ये 7th वाला क्वेश्चन देखें। तो देखो 7th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कि उसमें लिखा हुआ है अ बैच ऑफ बॉटल वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, बरोबर। कि हर एक बॉक्स में 12 12 बॉटल्स रखी हुई है, तो ऐसे 25 बॉक्स भर गए, बरोबर ना। हर बॉक्स में कितनी बॉटल्स रखी गई, उन्होंने 12 12 बॉटल्स रखी है, तो कितने बॉक्स भर गए, 25 बॉक्सेस। लिखा हुआ है इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड इट बी फिल्ड। मतलब क्या, अब एक बॉक्स में 12 की जगह 20 बॉटल अगर रखें, तो टोटल कितने बॉक्स भरेंगे वो। देखो टेबल वाइज ऐसे है कि जब बॉटल्स 12 बॉटल्स रखी गई ना, तो टोटल 25 बॉक्सेस बन गए, 25 बॉक्सेस तैयार हुए। लेकिन अगर जो है वो 20 बॉटल रखी गई, तो फिर कितने बॉक्सेस होंगे वो। तो अगर एक एक बॉक्स में 12 की जगह 20 रखेंगे हम लोग बॉटल्स, तो टोटल बॉक्स कम हो जाएंगे ना फिर, बरबर ना। 25 बॉक्स की जगह कम बॉक्स में जो है वो पूरा हो जाएगा, तो कितने बॉक्स लगेंगे फिर वो हमें फाइंड करना है। मतलब इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, ये एक्स, बरबर ना। कि अगर 12 बॉटल्स एक एक में रखो, तो ऐसे 25 बॉक्स हो जाते हैं, लेकिन एक एक में अगर 20 बॉटल रखो, तो कितने बॉक्स होंगे वो ढूंढना है,
बराबर। तो इसे भी इन्वर्स प्रोपोर्शन की तरह अगर फाइंड करें ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कि 12 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू उन दोनों का मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई एक्स बराबर। 12 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई एक्स, जिसमें से अगर एक्स फाइंड करना है तो 20 कहाँ जाएगा डिवाइड में, मतलब क्या ऐसे हो जाएगा कि 12 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 20 इक्वल टू एक्स, ये हो गया। तो अब इसमें जो फाइंड करें ना, तो क्या फाइंड करें कि देखो इन्हें कट करें हम लोग, कि ये दोनों 5 5 से कट होंगे, ये 5 से कट होगा 5 5 जा, ये 5 से कट होगा 5 4 जा 20। अब 4 से वो कट होगा कि ये 4 1 जा, ये 4 3 जा, बराबर। मतलब नीचे तो अब कुछ नहीं बचा, ऊपर 3 और 5, तो 3 5 जा 15, तो एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 15 मिल जाएगा। मतलब अगर एक एक बॉक्स में 20 20 बॉटल रखते हैं ना, तो ऐसे टोटल कितने बॉक्स बन जाएंगे, 15 बॉक्स बनेंगे उसके, बराबर है ना, ये भी समझ में। तो इसे भी अच्छी तरह से लिख लो, तो उसके बाद वाला फिर क्वेश्चन देखें हम लोग, बराबर। देखो कि अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, के कुछ आर्टिकल्स मतलब समझो कुछ बुक्स या कुछ पेजेस या कुछ भी छपवाने हैं, तो भाई 63 डेज में उसे पूरा करने के लिए उसे 42 मशीन्स चाहिए। कितनी मशीन्स, 42 मशीन्स चाहिए, तो उनके आर्टिकल 63 डेज में छप जाएंगे। लेकिन लिखा हुआ है हाउ मनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज, कि अगर उतना ही काम 54 डेज में पूरा करना है तो फिर कितनी मशीन्स चाहिए वो फाइंड करना है, बरबर ना। कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि अगर मशीन 42 मशीन्स हुई तो डेज 63 लगेंगे, 63 डेज में काम हो जाएगा ना। लेकिन अगर वो काम 54 डेज में पूरा करना है तो मशीन्स कितनी चाहिए वो हमें फाइंड करना है, बरबर ना। कितनी मशीन चाहिए वो हमें फाइंड करना है, उसे एक्स लिखेंगे ना हम लोग। मतलब अगर जो है वो डेज कम करने हैं तो मशीन ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना। अगर डेज कम करने हैं 63 की जगह 54 डेज में पूरा करना है तो फिर मशीन ज्यादा करनी पड़ेगी ना हमें। तो इसे ये इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ ना। तो इसमें भी अगर ये एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वैसे ही लिखें जैसे सब में लिखते हैं कि भाई यहाँ पर पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कि 42 मल्टीप्लाई 63 इक्वल टू वहां पे उन दोनों का मल्टीप्लाई कि एक्स मल्टीप्लाई 54, ऐसे हो जाएगा ना 42 मल्टीप्लाई 63 और x मल्टीप्लाई 54, कि जिसमें भी अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 54 डिवाइड में आ जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा कि 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 54 इक्वल टू x, ये x की वैल्यू मिल जाएगी। कि अब इसे कट करें ना, तो देखो ये दोनों कट होंगे किस से, तो ये दोनों जो है वो 9 की टेबल से कट हो रहे हैं, या तो ये दोनों 6 की टेबल से कट हो रहे हैं, किसी से भी कट करो। कि जैसे अगर इसको 9 से कट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, इसको 9 से कट करो तो ये हो जाएगा 9 6 जा 54, और 6 से इसको कट करेंगे 42 को, कि 6 7 जा 42, और ऊपर बचा 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, बरबर। मतलब अगर हमें काम 63 की जगह 54 डेज में पूरा करना है ना, तो मशीन हमें 49 लगानी पड़ेगी, बरबर। कितनी मशीन, 49 मशीन हमें यूज करनी पड़ेगी, तो काम जल्दी हो जाएगा। अरे ना बस समझ में। तो जैसे ये देखा ना 8th वाला क्वेश्चन, वैसे ये 9th वाला क्वेश्चन देखें कि देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अ कार टेक्स 2 आवर टू रीच द डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कि अगर कोई कार जो है वो 60 की स्पीड से चल रही है ना, तो उसे अपनी जगह में पहुंचने पर 2 दिन लगते हैं, 2 आवर्स लगते हैं, डेज नहीं 2 आवर्स लगते हैं। लेकिन अगर वही कार 80 की स्पीड से चल रही है तो उसे कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है, बरबर। कि अगर टाइम टाइम 2 आवर्स है तो स्पीड उसकी 60 की है, बरबर ना। 60 की स्पीड से चल रहे हैं तो टाइम 2 आवर्स लगता है, लेकिन अगर 80 की स्पीड से चल रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा वो ढूंढना है।
अगर 80 की स्पीड से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा ना, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ, बराबर। तो मतलब इसमें भी अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो उसे क्या कहें, एक्स की वैल्यू कहें ना, एक्स कहें ना उसे। तो इसमें भी अगर हमें एक्स फाइंड करना है तो वैसे ही लिखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 60 इक्वल टू वहां दोनों का मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 80, जिसमें से अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 80 डिवाइड में आ जाएगा। मीन्स ऐसे हो जाएगा कि 2 × 60 अपॉन 80 इक्वल टू एक्स, बराबर। 2 × 60 और 80 डिवाइड में इक्वल टू एक्स, जहां पर ये दोनों कट कर दें, 0 0 कट हो जाएगा। दूसरा अगर कट करें ना तो देखो ये 2 से कट होगा कि 2 × 4 और कुछ कट होगा तो, और दोनों ये दोनों 2 2 से कट हो जाएंगे, 2 3 और 2 2, बराबर ना। अब कुछ कट नहीं होगा, मतलब कि x इक्वल टू कितना मिलेगा, x इक्वल टू ऊपर 3 और नीचे 2 बचेगा, ऊपर 3 बचा नीचे 2, 3 / 2, और अगर 3 / 2 करें तो x इक्वल टू मिल जाएगा 1.5। 3 / 2 कितना हो जाएगा, 1.5। मतलब अगर जो है वो गाड़ी पहले 60 की स्पीड से चल रही थी तो 2 आवर्स 2 घंटे लगते थे, और अगर गाड़ी 80 की स्पीड से चलेगी तो टाइम 1.5 आवर होगा। 1.5 आवर मतलब के 1.5 घंटा लगेगा फिर, बरोबर ना। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा ना फिर। आया ध्यान, ये भी समझ में आया ना सब। अब जैसे ये देखा, अब वैसे ही इनके आगे वाले क्वेश्चंस देखें फिर, बरोबर। अब देखो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 2 पर्सन कुड फिट अ न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 डेज। घर में न्यू विंडो, नई जो है वो खिड़की लगानी है, तो अगर 2 लोग काम कर रहे हैं ना तो 3 दिन में काम हो जाएगा, बराबर ना। 3 दिन में नई खिड़की लग जाएगी। अब लिखा हुआ है कि वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। कि लिखा हुआ है कि भाई एक पर्सन जो है वो काम से पहले ही बीमार हो गया, मतलब थे ही 2 लोग, उसमें से एक बीमार हो गया तो अब बचा एक, तो वो एक अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा वो ढूंढना है। और दूसरा दिया हुआ है कि हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। कि अगर जो है वो विंडो 3 दिन में नहीं, एक ही दिन में अगर काम पूरा करना हो तो कितने लोगों को काम पे लगाना होगा, बरोबर। ऐसे हमें फाइंड करना है ना, बरोबर ना। तो देखो इसमें 2 सिचुएशन है, एक एक करके फाइंड करें। पहले ऐसे दिया हुआ है कि अगर 2 पर्सन काम कर रहे हैं ना तो डेज 3 लगेंगे, 3 डेज लगेंगे। तो पहली सिचुएशन जिसमें है कि एक पर्सन बीमार हो जाता है, मतलब अब 2 की जगह एक ही पर्सन काम कर रहा है तो डेज कितने लगेंगे वो फाइंड करना है, बरबर ना। उसके डेज हमें फाइंड करना है ना, ये डेज फाइंड करना है। सपोज उसे X1 कह दें, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें अगर फाइंड करें तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन की तरह मल्टीप्लाई होगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे होगा ना फिर। मतलब कि इसमें जो है वो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 3 इक्वल टू 1 × x1, बरोबर ना। 2 × 3 इक्वल टू 1 × x1 ऐसे लिख दें, कि जिसमें x1 ढूंढना हो तो 1 डिवाइड में। मीन्स कि 2 × 3 / 1 इक्वल टू x1। तो ये 1 की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं हुई, मीन्स के x1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। कि अगर एक अकेला इंसान काम करेगा ना तो वो जो है वो 6 दिन में काम पूरा होगा। कि अगर 1 पर्सन काम कर रहा है तो डेज कितने लगेंगे, 6 डेज लगेंगे, ऐसे हो जाएगा ना। और अब दूसरी सिचुएशन ऐसा है कि अगर ये काम एक ही दिन में पूरा करना है, कि अब डेज दिए हुए 3 डेज नहीं, अगर वर्क 1 डे में पूरा करना है तो पर्सन कितने लगाने पड़ेंगे वो ढूंढना है। कि अगर एक दिन में ही पूरा काम कंप्लीट करना है तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अब क्या लिखें, X2 लिखें ना। और इसे भी वैसे ही फाइंड करें ना, कि यहां पर भी 2 × 3 = X2 × 1। दूसरी सिचुएशन फाइंड करनी है उसे भी ऐसे ही ढूंढें, मैं यहीं पे ही ढूंढ रहा हूँ, कि उसके लिए भी लिख सकते हैं कि 2 × 3 = X2 × 1। और ये भी इसकी तरह ही हुआ, 1 ही डिवाइड में आएगा, 1 डिवाइड में। मीन्स के 2 मल्टीप्लाई 3
अपॉन वन इक्वल टू एक्स टू, मीन्स के एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू इक्वल टू टू थ्री जा सिक्स, वन की तो वैल्यू नहीं, उसमें कितना आ जाएगा सिक्स। मतलब अगर काम भी हमें एक दिन में पूरा करना है ना, तो उसके लिए छह लोग लगाने पड़ेंगे, कि अगर छह लोग मिलकर काम करें ना तो काम एक दिन में पूरा हो जाएगा, बराबर। तो देखो दोनों सिचुएशन में हमें एक्स की वैल्यू मिल गई ना, एक्स वन और एक्स टू, समझ आया ना सब। ऐसे ही देखो इलेवेंथ वाला क्वेश्चन भी है, आखिरी है, इलेवेंथ वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। उसमें ऐसा दिया हुआ है कि स्कूल हैज एट पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। आपका जैसे स्कूल टाइमिंग होता है ना, कि पूरे दिन में आठ पीरियड्स होते हैं और हर पीरियड कितने टाइम का होता है, 45 मिनट्स का होता है हर एक पीरियड, बराबर। ऐसे एट पीरियड्स होते हैं, लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज नाइन पीरियड अ डे। कि अब अगर स्कूल में आठ पीरियड नहीं, नौ पीरियड चलाने हो, एक एक्स्ट्रा पीरियड, बरबर ना, कि अगर नौ पीरियड चलाने हो तो हर एक पीरियड कितने कितने मिनट का रखना पड़ेगा। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, मतलब स्कूल आवर तो वही, स्कूल का टाइमिंग वही है, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो सुबह या दिन को, स्कूल का टाइम वही है, लेकिन अब उसी टाइमिंग में आठ की जगह नौ पीरियड पढ़ाने हैं, तो हर एक पीरियड का टाइम कम करना पड़ेगा ना। ये इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ ना, कि पहले पीरियड्स अगर आठ चलते थे तो टाइम 45 मिनट्स लगता था, 45 मिनट्स हर एक पीरियड। अब अगर पीरियड नौ कर दें हम लोग, तो टाइम कितना लगेगा वो ढूंढना है, कि नौ पीरियड में कितना टाइम हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है ना। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन की तरह ही ना, अगर पीरियड बढ़ा देंगे तो टाइम कम हो जाएगा फिर, तो कितना टाइम कम होगा वो हम लोग फाइंड करें। तो इसमें भी ऐसे लिखें कि 8 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू, जो हमें फाइंड करना है उसे एक्स कह दें, तो 9 मल्टीप्लाई एक्स, 8 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई एक्स, कि जिसमें अगर एक्स ढूंढना है तो 9 डिवाइड में, तो 8 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 9 इक्वल टू एक्स। मतलब अगर एक्स फाइंड करना है तो इसको कट करें ना, इसको कट करें भाई, ये 9 से कट होगा, 9 फाइजा और ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 फाइजा 40, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मतलब कि अगर 9 पीरियड रखने हैं ना पूरे दिन में, तो हर एक पीरियड का टाइम कितना रखना पड़ेगा 45 मिनट्स, 45 की जगह अब 40 मिनट्स रखना पड़ेगा, 5-5 मिनट कम कर देना होगा, तो फिर 9 पीरियड्स चलेंगे, बराबर। आई बात समझ में? तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन की आज ये एक्सरसाइज देखी ना, ये सम्स देखे ना, समझ में आया ना। तो आज जैसे ये चैप्टर हमने देखा, अब वैसे ही इनके दूसरे मेथड, दूसरे सम्स, दूसरे चैप्टर्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।